कई हजार वर्षों से सात दिव्य पुरुष भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की प्रतीक्षा में हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में सात ऐसे दिव्य पुरुषों के बारे में बताया जाता है जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वह सतयुग, द्वापर युग से लेकर अभी के समय कलयुग तक भी जीवित है। वे सभी महापुरुष कई सिद्धियां और दिव्य शक्तियों से संपन्न है, लेकिन यह सात महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं। वह सात दिव्य पुरुष मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वह सात महापुरुष कौन है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज हम बात करने जा रहे हैं सात चिरंजीवी के बारे में जिनको अमर होने का वरदान या श्राप मिला हुआ है। इस लिस्ट में सभी दिव्य पुरुषों में से एक है भगवान शिव के 13वें अवतार और श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर है और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद अगर हिंदू धर्म में किसी का नाम अधिक याद किया जाता है तो वह है हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और राम भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा मिला हुआ है। आज भी हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण कई जगह पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए हुए वचनों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी, जो भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, वह फिर से शिव में समा जाएंगे। इस लिस्ट में दूसरे चिरंजीवी महापुरुष भगवान परशुराम हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं इस कलयुग में जीवित हैं। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम जी की चिरंजीवी होने के प्रमाण रामायण और महाभारत काल में भी देखे गए थे। भगवान परशुराम जी इस पृथ्वी लोक से 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर चुके हैं। परशुराम जी पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम कल्कि अवतार को भी शिक्षा देंगे। इस लिस्ट में तीसरे चिरंजीवी महापुरुष अश्वत्थामा हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों के साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण उन्हें कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा रोज भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने वाले कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। इस लिस्ट में चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास जी को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेदों की रचना की थी। महर्षि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथ में लिख दिया है। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी वे इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस लिस्ट में पांचवें चिरंजीवी महापुरुष है लंका के नरेश विभीषण। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया जाता है। राजा विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता ना करने का बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया, इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। हमारे इस लिस्ट में 6ठे चिरंजीवी महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन राजा बलि के घमंड को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर वामन के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था कि जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पग नाप कर ले लो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पग में ही संपूर्ण सृष्टि नाप ली और 3रा पग राजा बलि के सर पर रख कर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं और आज भी वह पाताल लोक में जीवित हैं। 7वें चिरंजीवी महापुरुष है कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति में गुरु थे।
भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। कृपाचार्य उन 18 योद्धाओं में से एक है जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद जीवित बच गए थे। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब अपना 10वां अवतार कल्कि रूप में आएंगे तो यह 7 चिरंजीवी उनका साथ देंगे इस धरती से कलि को मिटाने के लिए और कलयुग का अंत करने के लिए। ऐसा भी माना जाता है कि रावण एक बार फिर से जीवित होंगे 10 गुना शक्तिशाली होकर, लेकिन वह भगवान का साथ देंगे या फिर दैत्य कलि के साथ देते हुए कल्कि के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है।